Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. As you all know, we have started the first topic, complex number of part 2 of standard 11. अब देखिए, actual complex number ये topic start करने से पहले हम इससे related कुछ basics सीख रहे हैं. जैसे पिछले video में हमने real numbers और types of real numbers जितने आएंगे, उससे related जो basic concepts है, वो clear कर लिए. अब देखो, आज के video में हम लोग absolute value of x, square of x, square root of x, okay, cube root of x, cube of x, ये कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ओके, ताकि हमें आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दिक्कत ना हो. नाउ सी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, जिसे हम मॉड x भी कहते हैं, इट इज गिवन बाय मॉड x इज x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, इट इज 0 व्हेन x इज 0, मतलब मॉड ऑफ 0 इज 0, एंड इट इज नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0. अब देखो, आपने यही देखा है आज तक कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू अगर आ गई, whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव, मॉड से बाहर निकलने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बराबर है? थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, ओके? वो ये है कि यहाँ पे मॉड एक्स आपने देखा, वो एक्स आया, यानी पॉजिटिव एक्स, वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0, पर वो निगेटिव एक्स आया, वेर एक्स इज लेस देन 0. इसका मतलब क्या हुआ? अब आप देखो, अगर मॉड ऑफ माइनस 4 आप देखोगे, सो यहां पर आपका एक्स माइनस 4 हो गया, विच इज लेस देन 0. लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स क्या आता है? माइनस एक्स, और एक्स है माइनस 4 आपका, और ये माइनस इनटू माइनस क्या होगा? प्लस, और ये तब जाके 4 आएगा. सो ऐसे वो निगेटिव नंबर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, अब ये हो गया आपका एक कंसेप्ट. अब हम स्क्वायर स्क्वायर रूट के कंसेप्ट पे फोकस करेंगे थोड़ा सा. अब आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट तो सभी को पता है बहुत अच्छे से, ओके? अब देखो, थ्री का स्क्वायर जो है, 3 × 3 इट इज 9, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 × -3, अगेन दिस इज 9, बराबर है? स्क्वायर आपको क्लियर है, कोई भी नंबर का स्क्वायर, यानी उस नंबर को खुद से एक और बार मल्टीप्लाई करो, बराबर है? मतलब अपने आप में उसका दो बार मल्टीप्लीकेशन होता है, और जो नंबर जनरेट होता है वो उसका स्क्वायर है, बराबर है? अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं. नंबर लेंगे 16, ओके? 16 का स्क्वायर रूट, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि प्लस माइनस 4 आता है, जबकि सिर्फ वो पॉजिटिव 4 रहेगा. 16 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव 4 ही रहेगा, निगेटिव 4 नहीं आएगा, बराबर? ऐसा इसलिए होता है, अब देखो, अगर मैं बोलता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस एक्स रहेगा. सो भैया, ये भी तो 4 का स्क्वायर रहेगा, तो ये प्लस माइनस 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि 16 जो है, इट इज अ वेल डिफाइंड नंबर, ओके? आपको एग्जैक्ट इमेज क्लियर है वहां पे, बराबर है? ये वेल डिफाइंड नहीं है. सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब लोगे आप, तो इट इज प्लस माइनस एक्स, पर अंडर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस 4 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा. लेकिन लेकिन अगर ऐसा कुछ है, ये देखो, इसको नाम भी दे देते अपन कि भाई ध्यान में रहेगा. अगर ऐसा कुछ है कि एक्स स्क्वायर इज 16, सो ये स्क्वायर हटेगा, तो सामने स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस की साइन जाएगी. सो यहां पर x विल बी प्लस माइनस 4. देखो, अंडर रूट ऑफ 16, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, ये 4 ही आएगा, प्लस 4. हाँ, x स्क्वायर इज 16 है, तो उसके दो वैल्यूज आएंगे, x इज प्लस माइनस 4, और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स रहते हैं, एक आया प्लस 4, एक है माइनस 4, और दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, बराबर है? अब ये तो हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16. यदि मैंने आपको बोला कि भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 इसे सॉल्व करना है, तो पहली बात तो ये माइनस की साइन आ गई है, हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे, सामने प्लस माइनस की साइन देंगे, पर रूट के अंदर माइनस, ये हमने स्टैंडर्ड 10 तक तो देखा नहीं है. और इनकेस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त देखा भी है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व करते थे हम, x is माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, डिनोटेड बाय डेल्टा, क्लियर हमने वहां पे देखा था कि ये जो डेल्टा है, इफ दिस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देन हमारे दो रूट रहते हैं, और दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है. इफ डेल्टा इज 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके? दोनों रूट
एक ही वैल्यू है दोनों रूट्स का, बराबर है। और हमने देखा था इफ डेल्टा इज लेस देन जीरो देन रूट्स आर नॉट रियल, मतलब रियल नंबर्स के डोमेन को नहीं बिलोंग करते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि रूट्स नहीं है, वहां पे रूट्स है पर वो इमेजिनरी है, बराबर है। वही इमेजिनरी नंबर्स हमें देखना है यहां पर। तो रूट के अंदर जब माइनस की साइन आ जाती है, बराबर है, कौन सा रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इवन पावर, इवन रूट्स की बात कर रहे हैं, ओके, तब वो कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाता है, ओके, रियल नंबर्स के डोमेन में नहीं रहता है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, ये हम रियल नंबर्स के डोमेन में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हम रियल नंबर्स के डोमेन में सॉल्व कर सकते हैं, दो वैल्यू आई प्लस माइनस 4, पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 ये रियल नंबर के डोमेन में सॉल्व नहीं होगा। अब ये तो हुई स्क्वायर स्क्वायर रूट की बात, अब क्यूब क्यूब रूट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब देखो जैसे 3 का स्क्वायर लिया था, 3 का क्यूब लेंगे, विच इज 3 × 3 × 3 27, और माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 × −3 × −3 विच इज −27। अब देखो यहां पर ये आपको दो अलग अलग चीजें नजर आती है, 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 है, पर 3 का क्यूब 27 है, माइनस 3 का क्यूब −27 है, बराबर है। अब अगर मैं आपको बोलू क्यूब रूट ऑफ 27, तो इसकी एक ही वैल्यू आना है 3, ओके, प्लस माइनस 3 में पढ़ते ही नहीं हम यहां पे। यदि ऐसा भी है कि x क्यूब इज 27, तो यहां से क्यूब हटेगा, सामने क्यूब रूट, प्लस माइनस साइन नहीं देते हैं हम। अब देखो एक और बात क्लियर कर लो, यहां पे प्लस माइनस साइन कब कब देते हैं, जब यहां पे पावर इवन रहेंगे, ओके। यदि यहां पे ऐसा रहता था, सपोज एक्स रेस टू 4 इज 16, सो एक्स वुड हैव बीन प्लस माइनस कंपल्सरी 4th root of 16, सो ये आता था 4th root of 16 इज 2, सो एक्स वुड हैव बीन प्लस माइनस 2। ये तो दो ही रूट्स आए, देखो एक्स रेस टू 4 है, मतलब टोटल 4 रूट्स आने चाहिए, यहां पे दो रूट्स आए, ये दोनों रियल रूट्स है, मतलब जो और दो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रहेंगे, ओके, वो हम सीखेंगे आगे इस लेसन में, बराबर है। सो जब भी इवन पावर्स रूट में कन्वर्ट होते हैं तो प्लस माइनस की साइन देते हैं, ऑड पावर जब रूट में कन्वर्ट होंगे तो प्लस माइनस की साइन नहीं दी जाती है। सो हियर एक्स का वैल्यू आएगा 3। अब देखो ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 है, पावर 3 है, तो रूट्स आने चाहिए 3, यहां पे एक ही रूट आया, तो एक रियल रूट है, बाकी के जो दो रूट्स है वो इमेजिनरी है, वो कैसे सॉल्व होते हैं वो देखेंगे आगे, बराबर है। नेक्स्ट आप देखो, यदि एक्स क्यूब इज इक्वल टू −27 है, तो हम बेझिझक इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये चलता है, ओके, रियल नंबर्स के डोमेन में स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू नहीं डिफाइन होती, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही लगता है, पर रियल नंबर्स के डोमेन में क्यूब रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू, ओके, ये डिफाइन होता है। क्यूब रूट ऑफ −27 −3 आता है, पर स्क्वायर रूट ऑफ −16 −4 नहीं आएगा, ओके। सो बस ये इतना जो पार्ट है, ये पूरे पार्ट के लिए हमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना जरूरी है, और उससे पहले ये सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, बराबर है। जैसे एक्स क्यूब इज −27, तो एक्स इज क्यूब रूट ऑफ −27, एक्स इज −3, यहां पर सिर्फ 3 के लिए नहीं, तो कोई भी ऑड पावर के लिए ऐसे ही सॉल्व होगा, बराबर, एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 7, एक्स रेस टू 9, ओके। वहां पर अगर सामने निगेटिव वैल्यू है तो भी हम उसका रूट ले सकते हैं, दैट इज क्यूब रूट, 5th root, 7th root, 9th root, ऑड पावर के लिए, इवन पावर के लिए नहीं होगा, बराबर है। जैसे ये स्क्वायर रूट के लिए भी नहीं डिफाइन हुआ, 4th root, 6th root, 8th root के लिए ये डिफाइन नहीं होगा रियल नंबर्स के डोमेन में। तो ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट फ्रेम में हम इससे रिलेटेड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे, ओके? देखो यदि आप ग्राफ थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जैसे मैंने आपको बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 सिर्फ 2 होगा, प्लस 2, प्लस माइनस 2 नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 सिर्फ 3 होगा, प्लस माइनस 3 नहीं होगा,
सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अलग आता है, ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अलग आता है. ओके अब देखो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. एक्स मैंने अगर लिया 4 तो वाई आएगा 2. तो देखो एक्स 4 वाई 2 ये पॉइंट मार्क हुआ है बराबर है. एक्स यदि मैंने 5 लिया तो 5 का स्क्वायर रूट 2.23 बराबर है. एक्स यदि मैंने 9 लिया तो 9 का स्क्वायर रूट 3. और आप अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ देखोगे ग्राफ थ्योरी में, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए, ग्राफ थ्योरी में आप अगर इसका ग्राफ देखते हो तो ऐसा ही ग्राफ आएगा, ये कर्व आएगा ऐसा बराबर है, जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है. सो स्क्वायर रूट जब भी आप निकालते हो ओके पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट आप जब भी निकालते हो तो पॉजिटिव ही आने वाला है. स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 ही आएगा, ना कि माइनस प्लस माइनस 3 आएगा, सिर्फ पॉजिटिव 3 आएगा. सो ये हमने देखा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, मतलब ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x. ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अलग होगा, वो नेक्स्ट फ्रेम में देखेंगे. ओके अब देखो ये है ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो पिछला था वो था ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली प्लस माइनस एक्स विच इज मॉड ऑफ एक्स बराबर है. तो ये जो ग्राफ है ये वी शेप्ड ग्राफ आएगा जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पास होगा बराबर है. अब देखो यहां पर आप एक्स के जगह डालो 2 ओके. एक्स के जगह आपने अगर 2 डाला यहां पे, या फिर सिंपल है 1 ले लो. एक्स के जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1. एक्स के जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 तो y 1 आएगा. एक्स के जगह माइनस 1 डालो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और वो 1 का स्क्वायर रूट 1 बराबर है. अब देखो एक और वैल्यू लेते हैं. x के जगह आप लो 4, x के जगह लो आप 4. x 4 लिया तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो अंदर 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, तो y इज 4 बराबर है. अब x के जगह लो आप माइनस 4, x के जगह माइनस 4 तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट फिर से 4 बराबर है. अगर मैं बोलूं कि 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 होगा तो ये पूरा कंसेप्ट गलत हो जाएगा मेरा बराबर है. क्या किया हमने, x के जगह 4 डाला, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 तो y इज 4. x के जगह माइनस 4 डाला, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और फिर से 16 का स्क्वायर रूट 4 तो 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 नहीं होगा, 16 का स्क्वायर रूट सिर्फ 4 होगा बराबर है. तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ. अब देखो x के दो वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी बराबर है. तो ये जो ग्राफ है ये मॉड्यूलस फंक्शन का भी ग्राफ है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट आर द सेम थिंग है वो. देखो x 1 है तो y 1, x माइनस 1 है तो भी y 1 बराबर है. x 4 है ये देखो यहां पर आएगा सो y 4, x माइनस 4 है तो भी y 4. तो ये ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा वी शेप ग्राफ आएगा मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. देखो ये 45 डिग्री का एंगल बना है यहां पे, और ये जो ये रे दिख रहा है आपको इसमें पॉजिटिव एक्सिस है, 135 डिग्री का एंगल बना है. ये 45, ये 90 प्लस ये 45, ये पूरा 135 का एंगल बना है. ओके